अस्सलाम वालेकुम। अशरफ भाई आ चुके हैं। कल पीपीआर की वैक्सीन पड़ी थी, आज सारे बकरों की नाखून कटेगी। बाल नहीं काटेंगे, मक्खियां वाट लगा देगी भिंडो की। बाल नहीं काटेंगे, सिर्फ नाखून नाखून, यहाँ से लेके वहां अलग, फिर वहां से लेके वहां अलग, क्वारंटाइन तलक। हमारी इनोवा के लिए पार्किंग का जुगाड़ हो रहा है। हमसे ना कल रात में एक जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कॉन्टेक्ट किए। एक छोटा सा डैम है, डैम जो भर के जा रहा है, जमीन में से डीजल निकल रहा है। अगर ऐसा हुआ ना यार, बड़े बकरों के भी उतने, बच्चों के भी उतने ही सेम रेट। सुल्तान तुम निकलोगे यहाँ से इंशाल्लाह कल, आज नहीं कल। बोले बाबा खर्चे हो गए। जल्दी हो गए हम लोग, बिफोर टाइम, 6 मिनट बिफोर टाइम। रात को जल्दी फ्यूज उड़ गया था हमारा, सवेरे सवेरे जल्दी उड़ गया हम, अल्हम्दुलिल्लाह। खोलो खोलो, खोले। अरे वाह, ये बहुत डेंजर है, नहीं तो जब कोई नहीं रहेगा ना खोल के बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिखा ना तो फिर 6:30 बजे तक रुकेंगे खोलने के लिए। अन्ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो भाई खुल गया, इंतजार कर रहा है ये। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को याद रहेगा जब लॉकडाउन था तो ये जिम है ना लॉकडाउन के 1-1.5 साल बाद खुला था, और इसको मैंने ही फिर से रीजनरेट किया था। सारी मशीनों पे इस पे उसका रस्ट लग गया था, तो मेरे हाथों से वर्कआउट स्टार्ट हो गया, चीजें यूज हो के उसके ऊपर का रस्ट निकलने लगा। ये अपना जिम जो है ना, भले ही यहाँ पे मशीनरी पूरी आउटडेटेड है मगर इमोशंस है ये जिम अपना। वर्कआउट हो गया, बारिश गायब, एक बूंद बारिश नहीं गिरी है, रात भर भी बारिश नहीं हुई है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है अभी, थोड़ी और बारिश चाहिए अपने को। ऊना में सही है मगर ऊना के एतराफ में काफी तबाही मचाई है बारिश ने। अपनी स्ट्रीट हॉक अपना इंतजार करते हुए, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ भाई आ चुके हैं। कल पीपीआर की वैक्सीन पड़ी थी, आज सारे बकरों की नाखून कटेगी। चलो धूप आई थी जरा, तो तुम लोगों ने एक काम कर लेना चाहिए था, क्वारंटाइन के बकरे 10-12 दिन हो गए अंदर ही है भाई। कैसा रहा इधर, पत्रे का भी काम हो रहा था। अच्छा बिजी है। अभी तुम्हारा फोन नहीं आता तो हम लोग एक गली का काम हो गया ना, आधा ही कर पाए तुम्हारा। ठीक है। अच्छा ये कौन रंगोली डाला यहाँ पे, ये रंगोली कौन डाला यहाँ पे, कौन डाला? मैं डाला। ये देखो ज्यादा समझ में आ रहा है, साफ कर देते हैं। अरे तो गंदा क्यों करने का, जब साफ अपने को करने का तो गंदा क्यों करने का। ये तो वही बात हो गई, चाय पिए, ये वही बात हो गई, चाय पिए उसको ट्विस्ट करके यहाँ फेंक दिए, और वहाँ पे महताब खड़ा है, ए महताब उठा, यही बात हो गई ना। ये तो तुम खुद ही गंदा कर रहे हो, मत करो ना गंदा, मालूम है जब तुमको पड़ेगी ये चक्कर में तो क्यों गंदा कर रहे हो। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये सब चीजें चलते रहती है, ये सुधरते नहीं है, ये इनको फिर चाबुक के फटके देने पड़ते। वाह देखो पूरे पत्रे साफ हो रहे, पत्रे ये पूरे पत्रे साफ हो रहे। अब ये काम रोको और खुर काटने को लगो, खुर बाल नहीं बनाएंगे, बाल नहीं काटेंगे, मक्खियां वाट लगा देगी भिंडो की। बाल नहीं काटेंगे, सिर्फ नाखून, यहाँ से लेके वहां तलक, फिर वहां से लेके वहां तलक, क्वारंटाइन तलक, सबके नाखून कटेंगे इंशाल्लाह। भैया क्या टाइम हो रहा है, 10:28। हाँ 10:30 हो रहे, इंशाल्लाह 12:30 बजे बाहर। पत्ती डाल दिए, पत्ती डाल दो ना, पहले डाल दी बाद में। हाँ पत्ती डाल दो, क्यों आज जाना नहीं होगा, आज सिर्फ और सिर्फ पत्ती चलेगी सुबह से लेके शाम तक। हमारी इनोवा देखो यहाँ पार्क की है हमने, हमारी इनोवा के लिए पार्किंग का जुगाड़ हो रहा है। हमसे ना कल रात में एक जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कॉन्टेक्ट किए कि उनके पास पार्किंग अवेलेबल है और हमारे आने जाने के रास्ते में ही है वो पार्किंग। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगे रेंट पार्किंग का, तो पार्किंग का रेंट वेंट बता दिए है, तो पार्किंग सिर्फ जाके देखने की मेरे लिए सफिशेंट है कि नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो झुक के बैठ के देख रहा हूँ ना, कल भी डीजल गिर रहा था स्विफ्ट में से, अभी भी डीजल गिर रहा है, डीजल यहाँ तक आ गया आज। कल ही मेरी बात हुई थी मैकेनिक से, तो उन्होंने बोलते आज तो संडे है, आज बंद रहेगा गैराज, तो आज जाते थे इसको दिखाएंगे, आज थोड़ा जल्दी निकलेंगे ताकि वो काम पटा ले अपन। कैसे गिर रहा है वो, मैं देखा था 1-2 ड्रॉप गिर रहे है वो, मगर आज थोड़ा ज्यादा गिरा हुआ है, तो वो क्लियर हो जाएंगे। इधर के कट गए,
अभी इधर के चल रहे हैं, केजीज बचे हुए हैं ना, यहाँ के नाखून काट के हो चुके, यहाँ के चल रहे हैं अभी, ये वाले भी पूरे हो गए लगता, ये बचे हैं सिर्फ ये वाले, सही है। ये यहाँ के लिए कुछ सोच रहा हूँ मैं, ये अव्वल बार बार इधर से यहाँ आ जाता ना, यहाँ पे मैंने कुछ सोचा हूँ, क्या सोचा हूँ मालूम है, क्या सोचा हूँ, जो मैंने सोचा हूँ वो डायरेक्ट करता और फिर दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या सोचा हूँ, बस बढ़ रही है कहानी में, आपको पता चल जाएगा। आओ ना, हाँ संडे मंडे ट्यूजडे हर दिन रहता मैं, आओ भाई साहब। मैं फार्म से ना यहाँ पे आ गया था गैराज पे कार को लेके, मैंने सोचा था इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर यहाँ से कुछ जुगाड़ करके फार्म पे जाएंगे, मगर यहाँ पे आके देखे तो डीजल गल ही नहीं रहा है, आधे घंटे से चेक कर रहे हैं, अभी गिरेगा अभी गिरेगा, कुछ नहीं गिर रहा है, वो फिर वो क्या गिरा हो जाके चेक करना पड़ेगा। ये सीन देखो, ये एक छोटा सा डैम है, डैम जो भर के जा रहा है, ये अपना फार्म जिधर है उधर है, ये फार्म पे पहुंच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं नाखून का काम कहाँ तक आया है, वैसे तो दोपहर की 1:38 हो रहे हैं, काफी टाइम बचा हुआ है अभी। सेफ नहीं लगती है मेरे को यहाँ पे भी, ये इसके लिए मेरा दिल नहीं बोल रहा है इसको यहाँ पे रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। चलो अब वो डीजल गिर रहा कि नहीं गिर रहा देखेंगे, बाहर गाड़ी लगा दी हूँ मैंने, वहाँ पे तो वो लोग बोल रहे थे कि जब आपने फुल किए थे ना तभी वो गिरा होएगा, वही वहाँ वही जगह पे लगाते हो तुम गाड़ी तो तुमको वो सेम ही लग रहा होएगा। अरे वो कितना गिरा है देखो, देख रहे तुम लोग, इसमें से डीजल की स्मेल आ रही है, वो बोल रहे थे पानी रहेगा, पैसे के पानी रहेगा, डीजल और पानी में फर्क नहीं समझेंगे हमको, अपने गाड़ी में से नहीं गिर रहा तो फिर जमीन में से डीजल निकल रहा, अगर ऐसा हुआ ना जमीन में से डीजल निकल रहा, ये लैंडलॉर्ड क्या बोलेंगे, चलो चलो फार्म खाली करो, अभी हम लोग होगा ना यहाँ डीजल की खान खोदेंगे अभी। नाखून ही नाखून, सब जगह नाखून ही नाखून, दोपहर के ना 3:15 हो रहे, नाखून काटने का जो सिलसिला है ना अभी तक रुका नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, ना ब्रेक हुआ है, ना खाने की छुट्टी हुई, ना कुछ हुआ है। ये बकरी बाहर क्यों आ गई थी, यहाँ पे भी वही हाल है। ए पकड़। और अशरफ भाई कितने बचे अभी, 7-8 ही रह गए अभी सिर्फ, यहाँ पे आ गए मतलब आखिरी कॉर्नर में आ गए थे, इसके बाद सिर्फ बचेगा क्वारंटाइन वो यहाँ का होने के बाद। भाई यार बड़े बकरों के भी उत्तर बच्चों के भी उत्ते ही सेम रेट, सेम रेट। अभी इनको मैंने गिनती पूछा, बोले गिनती करेगा, बोले मोनू भाई बोले हाँ हमने गिनती कर ली है, बोला कितने, तो बोले सेंचुरी मार दिए, तो बोला बच्चों को भी एक में ही पकड़ेगा, बोले हाँ बच्चों को भी एक में, बोले इतने बड़े बड़े घोड़े गए थे बकरे काटे उनके नाखून भी वही रेट में काटे बच्चे के भी, उसमें कम करना चाहिए बच्चों का यार, नहीं सेम रहता सेम ही चलेगा, ये नहीं होते पैसे कम एक्चुअली नहीं हो। चलो खैर मेहनत की है तो मेहनत के पैसे तो देंगे हम आपको। 3:58 हो रहे हैं, क्या तुम लोग खाओ खाना, मैं मेरी डाइट का खा चुका, अब तुम लोग खाओ। मेहताब तो कुछ रुक रहा नहीं भाई, खाना खा लेना, अभी ये ब्रेक ही नहीं लेगा, बोलता मैं पत्ती लगाऊंगा सब मेरा काम करूंगा उसके बाद ही ब्रेक लूंगा मैं, ये ऐसे तो हमारे छोकरे लोग। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ना आज का पूरा काम पत्ते हो गया, जो ये काटने थे खुर ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी, अल्हम्दुलिल्लाह घास ही घास है, ओनली घास। चलो भाई अंदर का देख लेते, सारे जानवरों को पत्ती वत्ती पड़ गई, खूटे वाले खा भी लिए, पानी पी लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वाह क्या स्पीड है तुम्हारी, और भूसा एंजॉय कर रहे आज। अरे इधर का कर गया, करने का रह गया यार, इंशाल्लाह कल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल करेंगे, यहाँ पर यहाँ का जो होने वाला है ना कल तुम लोग भी देखेंगे तो एड़े हो जाएंगे, क्या कर क्या कर दिए तुमने, ये इतना गर्म है रही है, देख कितना गर्म है, फुल फुल खा रहे ये लोग, क्या हो गया देखो ये लोग ना फुल चूहे हुए बिठा रहे सुल्तान, तुम निकलोगे यहाँ से इंशाल्लाह कल, आज नहीं कल, आज नहीं आज नहीं कल, इंशाल्लाह कल निकालेंगे सुल्तान को यहाँ से, और कहाँ डालेंगे देखना तुम लोग, बने रहेंगे कहानी में पता चल जाएगा, उसको बोर कर डालना। ओ अशरफ भाई चल रहे क्या यहीं पे, रुक रहे रुक जाओ यहीं पे, मैं हम तो जा रहे भाई साहब, इट्स 4:27 रोज का जो टाइम हुआ होता है वही टाइम हुआ है आज भी, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि अपने बच्चे लोगों ने नॉनस्टॉप काम किए इसके लिए,
नहीं तो लेट हो जाता। थोड़े पैसे कम कर दो ना यार, डिस्काउंट दे दो ना यार। दिए ना पिछली बार ये नहीं देगा डिस्काउंट मत दे, नहीं देगा ये तो। तुम लोग भी सोचना मत, इसको बुलाओगे तो पैसे कम कर पाओगे, नहीं होगी ये पैसे कम। कितना लेता है एक खुर काटने का? होम का रेट 80 रूपए। और इंडिविजुअल अगर एक रहेगा किसी का, एक दो 150 रूपए। सुन लो, कांटेक्ट करो। हाँ, कांटेक्ट नंबर तो दे। 9324661597 संपर्क कर, हम जा रहे घर। बोले बाबा खर्चे हो गए, मतलब 8000। यहाँ देखो यार, डीजल नहीं गिरा है। कल शाम में जब मैं फार्म से आया था, गाड़ी लगाया तो डीजल नहीं गिरा है। इसका मतलब ये वो ओवरफ्लो वाला ही मामला है। मैं खामखा डर गया था, फिक्रमंद हो जाता हूँ मैं। और मेरी आदत ऐसी है ना कि जब जहाँ पे चीज शुरू हुई है ना, वहीं पे उसको खत्म कर दो तो अच्छा है। मतलब जो चीज नहीं होनी चाहिए उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। फिलहाल जो है शाम के 5:50 हो रहे हैं, हम घर पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ब्लॉग को एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।